दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा दायर मुकदमों को वापस लेकर निरस्त करने की मांग को लेकर आज अजमेर के आम आदमी पार्टी ये लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लगे आरोपों को वापस लेने की मांग की। हमारे इंडिया गठबंधन के प्रमुख सदस्य और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरह एक लंबे समय से उन्हें जेल में पटक रखा है और जेल में बंद करके उनके साथ जो नाजायज दबाव बनाया जा रहा है, जो संवैधानिक संस्था है उनका दुरुपयोग किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, क्योंकि उन्होंने सच्चाई को उजागर किया या उन्होंने जो है सरकार की उन चीज़ों के खिलाफ बोला जो देश की संपत्ति को खुर्दबुर्द कर रही थी या देश को लूटने का काम कर रही थी, उनके आवाज़ को दबाने के लिए उनको ये कदम उठाया है। उसके खिलाफ जो है हमने आप पार्टी और हमारी मार्क्सवादी पार्टी के जो हमारे सदस्य हैं उनके साथ मिलकर हमने यहाँ जो है जिलाधीश महोदय को एक महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम जो है ज्ञापन पत्र सौंपा है कि केंद्र सरकार इस तरह की संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करे और उन्हें शीघ्र से शीघ्र उनका केस वापस लेकर उन्हें रिहा किया जाए। तो अभी फिलहाल उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए केंद्र सरकार जो दबाव बना रही है तो उस दबाव को बनाना एक इस देश के अंदर जो हमारा जहाँ प्रजातंत्र है और जहाँ हमारा हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है उस जगह पे दबाव बना के उनको अगर अभी तक आपने बंद कर रखा है तो वो कारण है कि आपका डर है जो पूरी जनता जान चुकी है। उन्हें शीघ्र शीघ्र जो है उनका केस वापस लेके रिहा किया जाए। एक डरा हुआ तानाशाह विश्व के सबसे बड़े जनतंत्र में जो संवैधानिक हमारी संस्थाएं हैं उनको काबू में करके उनका दुरुपयोग करके जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं उन पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो वो करते हैं उन्हीं को सही माना जाए। इसी कड़ी के अंदर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं उनको इन लोगों ने असंवैधानिक रूप से गिरफ्तार किया हुआ है। जब कोर्ट ने उनको बेल दे दी थी ईडी से पीएमएलए के अंतर्गत उनके ऊपर कोई केस नहीं बन रहा, कोई पैसे की रिकवरी नहीं हुई है, कोई भी आज तक इनके ऊपर कोई खिलाफ इनके कोई सबूत नहीं आया है, तब भी अगर केंद्र सरकार इस प्रकार से नैतिकता के अभाव में और अमर्यादित आचरण करेगी तो उसका विरोध तो करना ही होगा। इंडिया गठबंधन के हमारे साथी हैं कांग्रेस से और सीपीआईएम से और आम आदमी पार्टी के हम लोग हैं। आज यही एक ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदया को देने आए थे कि जब उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और जब अरविंद केजरीवाल जी बीमार हैं तो उनका जो है उनको रिहा करा जाना चाहिए, संवैधानिक जो हमारे जो एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग बंद किया जाना चाहिए और केंद्र सरकार को इस प्रकार से किसी भी कदम उठाने से रोकना चाहिए जिससे लोकतंत्र की हत्या हो।